अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे टीचर है हम प्रिंसिपल शेबा एंड वी आर फ्रॉम प्रोजेक्ट स्कूल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का चैप्टर हमने पढ़ लिया था, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसके एग्जांपल्स पे से कर रहे हैं। हमने 5.1 एग्जांपल कर लिया था और अब हमारा है 5.2। तो 5.2 के अंदर आप देखेंगे तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से पढ़ा था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर क्या था, एक्स और वाई कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था कि फोर्स दो हिस्सों में टूट रही है, ठीक है। दो हिस्से कौन से, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस हमारा इस तरह से हम फाइंड कर रहे थे, हमने एफ एक्स की एक वैल्यू निकाली थी, हमने दो वैल्यू निकाली थी, एक थी एफ एक्स की। एफ एक्स हमें क्या मिला था, एफ एक्स हमें मिला था एफ इन टू, और ये सारे वैक्टर्स के एक्चुअल हम वैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर एरो क्यों आ रहा है, इसके ऊपर एरो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम वेक्टर्स को कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है नॉर्थ है ईस्ट है वेस्ट है, हमें बस ये पता चल रहा है किसी ना किसी डायरेक्शन को जरूर जा रहा है। अब यहाँ पर एफ एक्स हमें एफ मिल गया एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने एफ एक्स के लिए फाइंड किया था, और इसके बाद हमने एफ वाई के लिए क्या फाइंड किया था, एफ वाई के लिए फाइंड किया था एफ इंटू साइन थीटा। आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का चैप्टर देख ले, हमने ये दोनों चीजें उसके अंदर फाइंड की थी। तो देखें अब इसके अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये कह रहा है एक्स कंपोनेंट फाइंड करो और वाई कंपोनेंट फाइंड करो। तो हमें एक्स कंपोनेंट का फार्मूला ये गिवन है और वाई कंपोनेंट का फार्मूला यहाँ पर ये गिवन है। तो हमने करना क्या है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, एफ क्या है और एंगल क्या है। एंगल हमारे पास जो भी डिग्री होती है उसके ऊपर ये मार्क होता है, इससे हमें क्या पता चलता है ये कोई ना कोई एंगल है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारी एंगल गिवन है, हमने इसे एंगल के हिसाब से शो करना है। और ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फोर्स है, तो हम इसे एज अ फोर्स ले रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेटा बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा, देख लें इसका डेटा अगर आप मैं बनाना चाहूँगा, जैसे मैं इसे स्फीयर वर्क के हिसाब से करूँ तो फिर मैं कैसे करूँगा, मैं इसे 45 एंगल ले लेता हूँ एफ इक्वल टू डेटा बनाऊँ तो वो मुझे फोर्स क्या मिल रही है, फोर्स के ऊपर क्या करूँगा एरो घूमा, क्योंकि वी आर लर्निंग अबाउट वेक्टर्स। तो एफ हमें क्या मिल रहा है 14 न्यूटन, ठीक है। आपके बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, हो सकता है फोर्स के अंदर कोई चेंजिंग हुई हो, तो आपको वही प्लेस करनी है यहाँ पर वैल्यू जो आपके बुक के अंदर गिवन है। और सपोज यहाँ पर पहली वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, एफ है, फोर्स है, और 45 की एंगल पर हमें मिल रही है। तो एंगल को हम किससे शो करते हैं, थीटा से, ठीक है, 45 की एंगल। अब देखो दोनों चीजें आपको गिवन है, आपको पूछ क्या रहा है, आपको एफ एक्स पूछ रहा है और एफ वाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स का फॉर्मूला लगाना है। एफ एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले हमारा कॉस थीटा फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फॉर एक्स कंपोनेंट है। तो आप यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन फॉर एक्स कंपोनेंट, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, फेयर जनरल के हिसाब से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और आप क्या करोगे, एफ आपको मैंने बता दिया 14 न्यूटन के लिए, तो आप यहां पर 14 न्यूटन प्लेस करोगे और cos 45, ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर के अंदर cos 45 निकालेंगे तो आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं मुझे पता है इसकी वैल्यू आएगी 0.7079, ठीक है। तो ये हमारी cos की वैल्यू मिल जाएगी, और 14 न्यूटन से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये x कंपोनेंट के लिए आपको फोर्स मिल जाएगी, आपको इस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आपको जो मिल जाएगी फोर्स वो मिल जाएगी 10 न्यूटन। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा। आपको पता है कि न्यूटन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पर भी न्यूटन आया, ठीक है, यहाँ पर भी न्यूटन ही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी न्यूटन ही है, वो इसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एंगल का कोई ना कोई भी यूनिट नहीं होता, एंगल यूनिटलेस होता है, तो ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। इसके साथ कोई यूनिट नहीं था, तो कोई यूनिट नहीं दिखेगी हमें। हमारे पास फोर्स फॉर द एक्स कंपोनेंट क्या मिल गई है, फोर्स फॉर द एक्स कंपोनेंट 10 मिल गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास एक कंपोनेंट तो आपने कर लिया फाइंड, अब क्या बच गया आपके पास एफ वाई, तो एफ वाई
फाइंड करने के लिए आप एफ का पहले फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे जो यहाँ पर गिवन है आपके पास, जो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर के अंदर फाइंड किया था। तो आपने करना क्या है, आपने अब एफ की जगह पर वही वैल्यू प्लेस करनी है और साइन थीटा की जगह पर वही वैल्यू प्लेस करनी है। तो मैं कर लेता हूँ, एफ वाई इज इक्वल टू एफ, आपको क्या गिवन है, एफ आपके पास 14 न्यूटन गिवन है, तो आप 14 न्यूटन प्लेस करें यहाँ पर। साइन 45 आपके पास क्या है, इसकी एंगल, ठीक है, 45 इसकी एंगल है। अब 45 एंगल को अगर आप फाइंड करोगे, साइन 45, तो वो भी आपकी बिल्कुल सिमिलर आएगी। 45 पर साइन और कोस दोनों सिमिलर होते हैं, यहाँ पर 14 न्यूटन जैसे हमारे पास गिवन है वैसे गिवन है। साइन 45 आप कैलकुलेट के अंदर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.707 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू एफ वाई। तो ये हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको कहा था कि जो आपकी एंगल होती है, जो साइन कॉस इन सब का कोई यूनिट नहीं होता, इसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, वही सेम आ जाएगा जैसा हमारे पास एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज़ तो आपने देख ली, आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके अंदर फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, फोर्स है, और सेकेंड थिंग एंगल। इसी तरह से आगे के दो जो क्वेश्चन हैं वो इसी में से होंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5.5 किया, 5.2 नहीं था एक्चुअली, 5.5 था हमारा एग्जाम्पल। तो अब इसके बाद जो कोर्स आउटलाइन है उसके हिसाब से मैंने वो एग्जाम्पल कर लिया था, मुझे लगा 5.2 होगा लेकिन ये 5.5 है। तो हमने इसके अंदर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किए। हमारे पास अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने फोर्स 13 न्यूटन पुट कर दी है, ये आपकी फोर्स है और ये आपकी एंगल भी है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास एंगल है। अब इसके अंदर आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड ये दोनों चीज़ें कर ली है, फोर्स भी फाइंड कर दी है और एंगल भी फाइंड कर दी है, ठीक है। अब फोर्स और एंगल आपको ये जो चीज़ें गिवन है इसके हिसाब से आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के लिए फाइंड करना है। अब इसके बाद हमारे पास 5.6 है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो उसका हमें कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, जाहिर सी बात है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, कि वेक्टर का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, इससे वो एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स आप कह सकते हो, एक होता है वाई कंपोनेंट, ठीक है, आप उसे वाई कंपोनेंट कह सकते हो, एक्स वाई, ठीक है। आपका जो रिजल्टेंट होता है वो आपका इन दोनों का सम होता है, ठीक है, रिजल्टेंट आपका क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो हम एक एक्स कंपोनेंट बनाते हैं और एक वाई कंपोनेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट हमारे पास पहले हमें एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, क्या ये हमारे पास एफ एक्स है, तो हम इसे एफ एक्स कहेंगे फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें सेकेंड वैल्यू गिवन है और ये थर्ड। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है उसे हम पहले को कह रहे हैं एफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है 5 किलोमीटर और मैं ये फर्स्ट वाली फाइंड कर रहा हूँ। एफ वाई मुझे क्या गिवन है, इसके अंदर अच्छा एफ वाई मुझे गिवन है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एरो दे रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर से एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्स मिला हुआ है और एफ वाई मिला हुआ है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इसके अंदर हमारे पास है एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर, ये हमारे पास आपका फॉर्मूला गिवन है। अब आपको ये चीज भी करनी है इसके अंदर फोर्स कंटेंट के मुताबिक, ठीक है, फोर्सेस हैं सारी चीजें, बस आपने ये फॉर्मूला याद करना है और दूसरा आपके पास एंगल का फॉर्मूला होगा। तो देखिए पहले हमें ऐसे फाइंड कर लूँ, तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, एफ एक्स भी मुझे गिवन है और एफ आई मुझे गिवन है, तो पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा और फिर मैं एफ आई की वैल्यू पुट करूंगा। देखिए फोर्स मुझे फाइंड करनी है इसके अंदर कि ये क्या रिजल्टेंट है, ये है रिजल्टेंट। सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे कि दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या गिवन है, एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स इनटू प्लस एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स का स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर आप पुट करें इसके अंदर, ठीक है। फोर्स आपको किसमें मिली हुई, किलोमीटर के अंदर मिली हुई, ठीक है, तो किलोमीटर के अंदर मिली हुई है
तो आप इधर से पुट करोगे और एफ वाई आपको क्या मिली हुई है फाइव का, ये आपके पास एफ वाई 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या रखा है स्क्वायर दोनों तरफ आएगा, फाइव के ऊपर भी आएगा और किलोमीटर के ऊपर भी, तो ये आप डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट कर लिया, क्या आपने इस तरह से कर दिया फाइव का स्क्वायर और किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको इसका स्क्वायर किया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके आगे करवा देता हूँ। ये दोनों चीजें आपने खुद करनी है या आप नोट डाउन कर लें, ये दोनों चीजें आपने खुद करनी है, बाकी मैं आपको करवा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये यहां से मैं आगे कर रहा हूँ, एफ इज इक्वल्स टू करेंगे तो 25 किलोमीटर का स्क्वायर रूट जो मेरे पास गिवन है वो गिवन है प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और इसके बाद किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 25 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 34 आई थिंक, तो ये आ जाएगा 34 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें फोर्स मिल रही है, अगर हम इसका रूट निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.38। ठीक है, देखो रूट इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो आप 34 का रूट निकाल लें और किलोमीटर स्क्वायर का रूट निकाल लें, तो स्क्वायर और ये कैंसिल, 34 का आप निकालेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा, फोर्स आपके पास अपनी गिवन आ जाएगी 5.38 किलोमीटर। किलोमीटर की स्क्वायर का कैंसिल हो गया, तो आपको ये इसका आंसर मिल गया। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन करें, उसके बाद आप एंगल फाइंड करेंगे। हम ठीक है, तो हमने अभी f और x की जो रिजल्टेंट वो फाइंड कर ली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली, अब इसके बाद एंगल था, तो एंगल का फार्मूला क्या है, एंगल का फार्मूला है tan इनवर्स fx डिवाइडेड बाय fy डिवाइडेड बाय fx। ठीक है, तो यहाँ पर एफ वाई हमें क्या गिवन है 3 किलोमीटर, तो हम tan इनवर्स, जैसे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की जगह पर हम 3 किलोमीटर रखेंगे और एफ एफ एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर और किलोमीटर दोनों हो जाएंगे, इस तरह से कैंसिल, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और ये जब डिवाइड करेंगे तो इसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर tan इनवर्स, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.6। ठीक है, 0.6, अगर इससे हम tan इनवर्स निकालें, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर से और उसके बाद tan को प्रेस करना है। ठीक है, बिल्कुल कोने में ऊपर शिफ्ट का बटन होगा और फिर tan का, तो tan इनवर्स आ जाएगा, अब जब इसे निकालेंगे तो इसकी एंगल भी मिल जाएगी 31। ठीक है, अब इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ जो दो और प्रॉब्लम्स हैं वो आपने खुद फाइंड करने हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट के ग्रुप में हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कभी कोई चीज़ समझ में ना आए आप पूछ सकते हो वहाँ से। तो आज का लेक्चर ये था आपके लिए, तो कल से इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।